चलो 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 बच्चों, चलो आराम से, चलो चलो आराम से। क्या तुम मुझे अपनी जद के सामने शर्मिंदा करना चाहते हो? मैं और तुम्हारी नानी एक दूसरे की पड़ोसन थी। राहिला तुम्हारी माँ की सहेली थी। अब तुम दोनों को कैसे जाने दूं? वो भी एक बेवफा गुरु के दरमियान में। हाँ, क्या बात है? माना कि मेरे घर में रहने का ये एक बहाना है, ठंडे पानी का क्या करें? आज से मैं खुद ही चश्मे के पास जाऊंगा और खुद खरीदारी करूंगा। जब तुम्हारी तरह का हिरन मेरे घर में मौजूद है, कई भेड़िए घात लगाए बैठे हों, मुझे तेरी बहुत निगरानी करनी पड़ेगी। मैं वादा करती हूँ उन्हें शहर से बाहर निकाल कर वापस आ जाऊंगी। उनका कोई भी नहीं है। खुदा उनके साथ है। आप किस खुदा की बात कर रहे हैं? वही खुदा जिसने अपने रसूल को भेजा ताकि हमें और आपको बताए कि हक और नाहक क्या है। हम नमाज पढ़ के अशहदुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कहते हैं, लेकिन जब हुसैन और उनके फर्जंदों की मदद का वक्त आता है जो उसी रसूल के खून से हैं, तो हम उस वक्त बहाने करते हैं ताकि हम मदद करने पर मजबूर ना हो जाएं। बाबा, वो बेगुनाह और मासूम बच्चे भी उसी खानदान से हैं जिनकी आंखों में पाकिजगी और मेहरबानी के अलावा कुछ नजर नहीं आता, फेरियों के दरमियान फंसे हुए हैं। अब क्या हमें घर बैठना चाहिए ताकि इतने ज्यादा हमसे नाराज ना हो? आप अल्लाह से नहीं डरते? हमें अल्लाह के बजाय क्या बंदों से खौफ खाना चाहिए? आप किस चीज से खुश हैं? हमें कयामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है, ना कि यजीद और इब्ने ज़ियाद के सामने। बाजार से मैं क्या लाऊं? गोश्त? खोलो दरवाजा, खोलो। क्या चाहिए ऐ औरत? जानने वाली है वो, अजनबी नहीं है। हमारे और तुम्हारे लिए सब अजनबी हैं। दरवाजा खोल दें बाबा, दरवाजा खोल दें, आपसे इल्तिमास करती हूँ। दरवाजा खोलो, जरूरी काम है मुझे। सिर्फ एक लम्हे के लिए। क्या तुम सिर्फ मेरे शौहर को मुसीबत में डालना चाहती थी? तुम खुद तो अपने घर में छुप गई हो। वो बेगैरत गुलाम गली कूचों में उन बच्चों को तलाश कर रहा है ताकि उन्हें इब्ने ज़ियाद के हवाले करके उससे इनाम हासिल करे। बोले हाँ, और क्या? आपने उसे देखा? वो कहाँ है? वो अपने उस आका के साथ गली कूचों में उन मासूम बच्चों को ढूंढ रहा है। ये तुम्हारा वहम है ऐ औरत, वहम है। हर इस मुस्लिम के बेटों को पना नहीं दे सकता। अगर वो वाकई मुस्लिम के बेटे होते तो हर इस वक्त
2000 दिरहम गिनने में मसरूफ होता। देखो बशीर, मैंने आज तक राहिला का कोई भाई या भतीजा नहीं देखा, अब अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि शैतान वसवसा करने लगा है, हमें लोगों की जिंदगी से क्या लेना देना। मुझे तो अपने मासूम बच्चों की फिक्र लगी हुई है, जिन्होंने 8 माह से सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया है। सलीमा, सलीमा जी। बोले अम्मा। ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ। राहिला के घर जाओ, खेलने कूदने के बाद उसकी बेटी से पूछना कि तुम्हारे मामू के बेटों का क्या नाम है, फिर उनके घर के गोदाम में चली जाना। वहाँ तुम जो कुछ देखो आकर मुझे फौरन बताओ, समझी मेरी बात? जी अम्मा। शर्म कर है औरत, शर्म कर, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे पता होना चाहिए कि उस घर में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अब इससे ज्यादा अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। तुम मुझे ताना दे रही हो, मुझे? बस करो बशीर, बस करो, मुझे ये तो देखने दो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये शर्मिंदगी मेरी है या तुम्हारी। मुझे ताने दे रही हो? तुम नाराज और खामोश क्यों हो? क्या बोलूं? मुझे पता है कि तुम्हें बच्चों के मुतालिक कुछ मालूम नहीं। क्या तुम्हें कुछ मालूम है? अगर तुम मुस्कुराओगी तो बता दूंगा कि वो एक इंतहाई खतरनाक जगह पर हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? वो हारिस के घर पर हैं। नहीं, हातिका ने उनको पना दी है। हारिस ने उन्हें देखा तो नहीं? अगर देखा होता तो हमें जल्द से जल्द उन्हें कूफे से बाहर भेजना होगा। छोड़ो सुलाफे, क्या तुमने मशकूर के अंजाम से इबरत हासिल नहीं की? उन्हें मेरे हवाले कर दो और किसी चीज की फिक्र मत करो। फिक्र क्यों ना करूं? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मशकूर जो इतने अरसे से उनकी खिदमत कर रहा था, उन्होंने उसकी गर्दन को काट दिया, फिर वो हमें कैसे छोड़ देंगे? जब तुम्हें उनके छुपने की जगह का मालूम था तो इतने अरसे को बताकर इनाम क्यों नहीं लिया? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम्हें उन 2000 दिरहम से अपनी आजादी भी मिल जाती है और मैं अब भी ये कर सकता हूँ। गीदड़ को मारना पागल कुत्ते को मारने से आसान है। फिर उसे कत्ल कर दो। हमारा मसला हारिस नहीं है, मसला वो सिपाही है जो चींटियों और मक्खियों की तरह पूरे शहर में फैले हुए हैं। मसला वो लालची लोग हैं जो 2000 दिरहम के लालच में अंधे हो गए हैं। हाँ, ये बातें मेरी जबान से अजीब लगती हैं। अभी और इसी वक्त बच्चों को गिदर के घर से बाहर निकालना होगा। सिपाहियों से कैसे निपटेंगे? मैंने सुना है कि उबैदुल्ला ने बसरा के सिपाहियों को भी कूफे बुला लिया है। और कोई रास्ता नहीं, मैं घर के बाहर रहकर इर्द गिर्द पर नजर रखूंगी, तुम बच्चों को लेकर आ जाना। तुम दोनों अगर इस घर से नहीं जाओगे तो हारिस, जो तुम दोनों की तलाश में है, फौरन अपने अशस को इत्तला दे देगा कि तुम दोनों यहाँ हो। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद चले जाते हैं। मैं अगर मर भी जाती हूँ तो भी तुम लोगों को अकेला नहीं जाने दूंगा। राहिला, राहिला। हारिस आ गया। घबराओ मत, डरने की जरूरत नहीं। अगर वो अंदर आया तो मैं उसका गला दबा दूंगी। राहिला! सलाम। क्या बात है, आपको कामयाबी मिली? अब तक नहीं। लेकिन जरूर उनका सुराग लगा लूंगा। चले मैं आपके लिए खाना लगा दूं, जल्दी से आ जाओ। Thank you.
हारिस, जल्दी से आ जाओ। यहीं रुकना, ख्याल रखना, हालात देखकर मैं खुद उन्हें लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? सलाम आका। अब किस जहन्नम में था? क्या तूने नहीं कहा था कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है? जब तबीयत ठीक हो गई मैं आपके पीछे निकला, लेकिन आप मुझे नहीं मिले। फिर मैं मुस्लिम बिन अकील के बेटों को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत खूब। कोई कह रहा था इब्ने अशस को बच्चे मिल गए हैं, लेकिन वो ऐलान नहीं करता। आप खामखा अपना वक्त जाया कर रहे हैं। जिसने भी कहा है उसने तुझे बेवकूफ बनाया है ताकि तुझे तलाश करने से रोक दे। हारिस, खाना तैयार है। वो बुढ़िया कहाँ है? पता नहीं, शायद पड़ोस की औरतों से बातें कर रही हैं। फुले, किस वक्त घर से गया था? आपके जाने के कुछ देर बाद। क्यों? कहा था बुढ़िया घर पर नहीं है। मुझे नहीं पता वो कब वापस आए। जब मैं आया था तो तू भी गोदाम में थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो कहाँ थी? गोदाम में क्या हो रहा है? वहाँ अम्मा के अलावा कोई नहीं है। उसे तकलीफ नहीं देना। तुमसे इल्तिमास करती हूँ आरिस, इस बुढ़ापे में उसे आराम करने दो। मुझे ना रो। उसने अपने लिए कमरा बनाया है, मैंने भी उसे कुछ दे दिया है ताकि वो खुद पका कर खाए। तुमसे इल्तिमास करती हूँ हारिस, इल्तिमास करती हूँ हारिस, खुदा के लिए शोर मत करना। दफा हो जा, दफा हो जा। हारिस, हारिस, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम अंदर नहीं जा सकते। हारिस, दफा हो जा।
दफा हो जा, दफा हो जा। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरा सर तोड़ दूंगी। हट जा ओ बुढ़िया, दफा हो जा। खजाने के ऊपर सोया हुआ हूं और मुझे पता ही नहीं। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटी। ये मुस्लिम के बेटे हैं, मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे। अब तुम आजाद हो, खुश रहो तुम। लेकिन लेकिन तुम्हें मालूम था, सही कह रहा हूं ना? मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन मुझे डर था। मैं समझ रहा था आपने खुद इनको छुपाया ताकि मुझे पता न चले। आका इस दफा अपने वादे के खिलाफ वर्जी न करना। हमें इनको बंद कर तहवील में देना होगा। ये काम खुदा को पसंद नहीं है हारिस। अपनी जबान को लगाम देती हो या मैं तुम्हारी जबान काट दूं। फुले रस्सी ले आओ, हमें इनके हाथ पांव बांधना है। जल्दी करो, सुना नहीं? दरवाजा खोल दे काफिर, खोलो दरवाजा। राइला आओ, दरवाजा खोलो, खोल दो दरवाजा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, ए बेटी दरवाजा खोल। जल्दी से भाग। कहाँ जा रहे हो? बाहर चारों तरफ सिपाही है। ठीक है फुले, इन्हें जाने नहीं देना। तुम क्या करना चाहते हो लालची कुत्ते, बेशरम, खुदा के दुश्मन? बुढ़िया को यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसे वहाँ से ले जहन्नम कर दूंगा। इसे चले जाओ। कहाँ गए? सुने, इनके हाथ बांधो, इनके हाथ बांधो, बांधो, जल्दी करो। जल्दी करो। ओ बेदीन आदमी, आखिर अब तेरा क्या बिगाड़ है? तुम दोनों मेरी भलाई का सबब बने हो क्योंकि मुझे तुम्हारी वजह से 2000 दिरहम मिलेंगे। तुम्हारे और हमारे खानदान के दरमियान पुरानी दुश्मनी है। ये बनी हाशिम ही था जिसने जंगे जमल में हमारे सरबराह को मार डाला। अब तुम दोनों ने उसी कीना और दुश्मनी का हिसाब चुकाना है। सुने, इन्हें ले जाओ अभी। हाँ अभी, जल्दी करो। यकीनन वो लालची लोग दीवार के उस तरफ से हमारी बातें सुन रहे थे। अभी वो रास्ते में हैं ताकि इब्न ज़ियाद को खबर देकर इनाम हासिल करें। ले जाओ इन्हें, जल्दी करो।
जल्दी करो। फुले, तुम नहीं पूछ रहे हो कि हम कहां जा रहे हैं? इब्न अशस के पास। नहीं फुले, वहां नहीं जाएंगे। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जल्दी चलो। यहीं पर इनकी गर्दनें काटेंगे। क्या इसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा? हाँ, आजाद हो जाओगे। अपनी तलवार मुझे दे दो। अपने खंजर से इनका गला काटो। कौन सा खंजर? बेवकूफ वो है जो दूसरों को अहमक समझता है। अब भी तुम्हारे पास मौका है, इनको मार डालो ताकि जिंदा रह सको और अपनी आजादी हासिल कर सको। इस शर्त के साथ के फिर? शर्त रखना मेरा काम है बेवकूफ।
क्या करोगे, क्या करोगे गुलाम? अब इल्तिजा नहीं करोगे? मैंने अपने चचा हुसैन इब्ने अली से ये सीखा है कि खुदा के सिवा किसी से इल्तिजा ना करूं। फिर उसी मुसीबत से दो चार रहोगे जिससे तुम्हारा चचा हुआ। तुमने नहीं देखा कि किस तरह उसका सर तन से जुदा करके उबैदुल्लाह के सामने पेश किया गया? मैं भी उबैदुल्लाह के सामने तुम्हारे सर पेश करूंगा। फरियाद नहीं करोगे, इल्तिमास नहीं करोगे? मुश्क और गुलाब का क्या? रात को मैंने अपने चचा को ख्वाब में देखा। उनका सर जिस्म से जुदा नहीं था, वो फूलों से भरे बाग में बैठे हुए थे। क्या बाबा को भी देखा था? हाँ इब्राहिम, उनको भी देखा। मुझे गोद में लिया और माथे को चूम लिया। मैंने भी अपनी माँ को देखा था। वो उस वक्त तक मेरे पास खड़ी हुई थी जब तक मैंने अपने दूध का प्याला पूरा नहीं पी लिया। तुम दोनों हिजियान बक रहे हो। मौत को करीब से देखकर दोनों पागल हो गए हो। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न। तुम्हारे ऊंटों पर क्या सामान है? ऐसी कोई चीज नहीं जिसके खराब होने का खतरा हो, लेकिन पिछले 3 दिनों से मेरे ऊंटों को शहर के दाखिली रास्ते पर रोका हुआ है। मैंने दरखास्त की कि तलाशी के बाद शहर में दाखिल होने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन कहा गया है कि ये अमीर का फरमान है जिन्होंने शहर के दरवाजे को बंद करने का हुक्म दिया हुआ है। इसलिए मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तुम्हें इजाजत है कि खुद अपने काफिले के साथ कूफे में दाखिल हो जाओ, लेकिन मेरे हुक्म मिलने तक आप लोग शहर से बाहर नहीं निकल सकते। क्या बात है अशाम, क्या कोई खबर है? मुस्लिम के बेटों को मार दिया गया है। झूठ है,
ये झूठ है। जनाब अमीर, इन लोगों ने गलत समझकर मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूं, यह है। अलबत्ता ये आपके लायक नहीं है, ये मुस्लिम के बेटों के सर हैं या अमीर, वही जो आपको मतलूब थे। हशाम, हशाम, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, इस आदमी को ले जाओ और इसका सर काट दो। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे और इसकी गर्दन काट दो। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। रुक जाए, रुक जाए। या अमीर, आपने 2000 दिरहम देने का वादा किया था, लेकिन मैं इस आदमी के सर को 40,000 दिरहम के इवज खरीदूंगा। मुझे इजाजत दें ताकि मैं इस आदमी का सर इसके तन से जुदा कर दूं। ले जाओ इसे, छोड़ दो मुझे, ले जाओ इसे, छोड़ दो मुझे, ले जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कहां ले जा रहे हो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मेरा कोई कसूर नहीं है या अमीर, मैं इस आदमी को जानता ही नहीं हूं। ये आदमी मेरा, तुम्हारा, यजीद का और यजीद की हुकूमत का कातिल है। अब तो सब कुछ लूट गया है। हमने कहा, हमने कहा हुसैन काफिर है कि वो हाथ में तलवार लिए खलीफा वक्त के खिलाफ बगावत कर रहा है। अब इन दो छोटे बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? अपने आप को तैयार रखो बेदुल्ला, तुम्हें एक तूफान का इंतजार करना होगा, एक सुर्ख और सियाह तूफान, सुर्ख और सियाह तूफान, सुर्ख और सियाह तूफान।
اخدار